हर एक्टर की जिंदगी में एक फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया जाता है और दीपिका पादुकोण की कॉकटेल और रामलीला वो फिल्में हैं जिनके लिए उनको काफी अप्रिशिएट किया गया था। होमी अरजानिया ने दीपिका पादुकोण को एक करियर चेंजिंग रोल दिया था, दैट ऑफ वेरोनिका फ्रॉम कॉकटेल, और उसके बाद द क्रिटिक्स स्टार्टेड टेकिंग हर सीरियसली एज एन एक्टर। लेकिन आज उसी डायरेक्टर के लिए दीपिका के पास टाइम नहीं है उनकी अगली फिल्म करने का, ये हम नहीं बल्कि होमी खुद कह रहे हैं। No, I won't. Dipika's too busy for me. सही सुना आपने, होमी ये शिकायत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दीपिका को अपनी हर फिल्म में लेना चाहते हैं। Fault in Our Stars के रीमेक में तो दीपिका जरूर नजर आएंगे, लेकिन जाकर भी होमी उन्हें अपनी दूसरी फिल्मों में कास्ट नहीं कर सकते, as the actor is involved in so many other projects. No, I won't. Dipika's too busy for me. No, I actually am doing two films next year. The second film I'm doing does not have Deepika in it. Okay. So that answers that question of yours. The first film in all probability will have her in it. But like I said, it'll all be confirmed within the next 10 days. So if you can wait till that long, hold your breath. Fine. And I will let you know. Well, we hope that Deepika, agar Homi ki baat sun rahi ho, to wo unki wish puri kare. Aur jaise hi unke paas waqt ho, wo unke liye film zarur kare. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai.